नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल SSC एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, RRB ALP में आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो चुके हैं। पहला आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है जो है RRB सिलीगुड़ी से। तो RRB सिलीगुड़ी का आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर अपडेट हो चुका है, बाय पोस्ट आया है कैंडिडेट के पास ज्वाइनिंग लेटर। और जो ये ज्वाइनिंग लेटर आया है सभी कैंडिडेट के पास नहीं पहुँचा है अभी तक। जो प्रोविजनल पैनल पार्ट वन में जिनका नाम था उन्हीं के पास ज्वाइनिंग लेटर आया है। बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई थी आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड। और सबसे ज़्यादा डाउट थे कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कौन से एड्रेस पर पहुंच रहा है। देखिए, आप लोगों ने जो एड्रेस डाला होगा, यानी आप लोगों का एक कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, एक आप लोगों का परमानेंट एड्रेस होता है, तो कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही ज्वाइनिंग लेटर आते हैं। बाकी आप लोगों ने दोनों सेम एड्रेस डाले होंगे तो आप लोगों का जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वहाँ पर इस ज्वाइनिंग लेटर को पोस्ट कर दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट जिनका प्रोविजनल पैनल में नाम नहीं था और उसके बावजूद भी उनके पास अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, तो उनसे मेरी राय है, देखिए आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप लोगों का जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो बाय पोस्ट आता है। बाय पोस्ट आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है तो उसमें किसी के पास जल्दी पहुंच जाता है और किसी के पास थोड़ा लेट होता है। तो वो आप लोगों के प्लेस पर डिपेंड करता है कि आप सिलीगुड़ी से कितना नज़दीक रहते हैं, कितना दूर रहते हैं। आप लोग किसी विलेज में रहते हैं तो थोड़ा और टाइम लग जाता है, क्योंकि ग्राम डाक सेवक को ये अपडेट दी जाती है, उसके बाद वो उनको पब्लिश करता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सभी के पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ वीडियोज़ में, कि आप लोगों को अटेस्टेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। अभी तक जो हमारे पास न्यूज आई है वो ज्वाइनिंग लेटर आया है, उसका फर्स्ट पेज आया है। तो अटेस्टेशन फॉर्म जैसे ही मेरे पास अपडेट होगा मैं आप लोगों को एक फील्ड अटेस्टेशन फॉर्म भी दिखा दूंगा, अगर अटेस्टेशन फॉर्म अलग हुआ तो। वरना आप लोगों को ग्रुप डी के लिए अटेस्टेशन फॉर्म की वीडियो मैं बना चुका हूँ, RPF के लिए अटेस्टेशन फॉर्म की वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से ही आप लोगों का देखना। जितना भी अटेस्टेशन फॉर्म है सभी के फॉर्मेट सेम होते हैं, तो आप लोग वहाँ से चेक करके अपना अटेस्टेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और आप लोग को जो भी जैसी भी कोई नई अपडेट आएगी ALP से रिलेटेड या टेक्नीशियन से रिलेटेड, हमारे चैनल पर आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देखिए, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लगातार वीडियो लाते हैं। जैसे ही ALP की न्यूज आती है, ग्रुप डी की न्यूज आती है, डेली आप लोगों की न्यूज़ आती रहती है, तो हमें न्यूज़ कलेक्ट करनी पड़ती है, फिर आप लोगों को पोस्ट करनी पड़ती है। आप लोग वीडियो देखते जरूर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कंप्लेंट थे कि उनको हमारी वीडियो रेगुलर वे में प्रोवाइड नहीं होती है, तो वो यही कारण है कि आप लोग बेल आइकन ओपन नहीं करते हैं, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता और आप लोग हमारी वीडियो से वंचित हो जाते हैं। जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं पर डे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं कि आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है, उससे रिलेटेड आप लोगों के एडमिट कार्ड अपडेट होते हैं, रिजल्ट अपडेट होता है, पूरा प्रोसीजर हमारे चैनल पर आप लोगों को बताया जाता है। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।